Hello everyone, welcome back to my channel Fitness with Tanisha. I'm Tanisha and today we will practice Surya Namaskar, जिसे सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं. आज हम इसकी सही टेक्निक, इसकी कुछ सावधानियाँ और साथ ही साथ इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है. सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही साथ हमारा रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है. सूर्य नमस्कार एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है क्योंकि इसमें आसन के साथ साथ प्राणायाम, मंत्र एंड मेडिटेशन टेक्निक्स भी इंक्लूड रहती हैं. सूर्य नमस्कार 12 आसन से बना हुआ है जिसमें 7 डिफरेंट एंड 5 रिपीटेड आसन होते हैं. सूर्य नमस्कार को अगर सही तरीके से किया जाए तो इसमें हम पूरक यानी कि इन्हेलेशन, रेचक यानी कि एक्सहेलेशन और कुंभक यानी कि ब्रेथ रिटेंशन, जिसमें ब्रेथ को होल्ड किया जाता है, वो भी करते हैं. सूर्य नमस्कार के हर एक आसन पे एक मंत्र भी बोला जाता है, यानी कि 12 आसन के लिए 12 मंत्र हैं इसमें. सूर्य नमस्कार अगर आप मॉर्निंग के टाइम करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग समय ना मिले तो आप किसी भी समय इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें मैं आपको टेक्निक के साथ साथ इसमें जो प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक है उसके बारे में भी बताऊंगी. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले में हम इसकी कुछ सावधानियों के बारे में, दूसरे में इसकी टेक्निक्स एंड तीसरे में इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है. अगर आप मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से फ्रेश होकर इसकी प्रैक्टिस करें. अगर आप दिन के किसी और टाइम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने और आपके प्रैक्टिस के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रहे. दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी आसन को शारीरिक क्षमता से अधिक जोर जबरदस्ती या झटके में नहीं करना है. स्टार्टिंग में कुछ लोग जबरदस्ती या फिर झटके में आसनों को करते हैं जो कि गलत है. इससे इंजरी हो सकती है, स्पाइन को नुकसान हो सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे कुछ आसन सही तरीके से ना हो क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्टिंग में उतनी नहीं होती है. फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी, तो आपको हर आसन को आराम से करना है, ज़बरदस्ती या झटके में किसी आसन को ना करें. अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आसनों के साथ साथ आपको करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक का भी पता हो. सूर्य नमस्कार करते समय हमें सिर्फ आसन की करेक्ट टेक्निक ही नहीं बल्कि ब्रीदिंग यानी कि कब हमें इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, हमें वो भी पता होना चाहिए. और साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने हर आसन को अपने श्वासों से जोड़ के रखना है. जिन लोगों को हर्निया, ट्यूबरक्लोसिस या रिसेंटली किसी तरह की सर्जरी हुई है उन्हें सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. और सर्जरी से रिकवर होने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस करें. अगर आपको फीवर, इलनेस या किसी भी तरह की वीकनेस है तो भी इसकी प्रैक्टिस को अवॉइड करें क्योंकि उस समय हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक रहती है. जिन्हें हाई बीपी या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसकी प्रैक्टिस को अवॉइड करें. लेकिन अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड अगर वो अलाउ करते हैं तो आप इसके आसन को मॉडिफाइड वे में किसी योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में कर सकते हैं. अगर आपको रिस्ट इंजरी है तो भी इसके प्रैक्टिस को अवॉइड करें क्योंकि इसके आसन करते वक्त हमारे हाथों में वेट आता है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है. जिनको बैक पेन है वो भी इसके प्रैक्टिस करते समय ध्यान रहे आपको आगे झुकने वाले आसन ज़्यादा नहीं करने हैं. और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आपको पेन हो उस वक्त आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस ना करें. सबसे मेन बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रैक्टिस करते समय अगर हमें किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो हमें इसकी प्रैक्टिस को तुरंत रोक देना है, ज़बरदस्ती इसकी प्रैक्टिस को हमें नहीं करना है. तो अब आते हैं इसकी टेक्निक पे. आपने सूर्य नमस्कार के बहुत अलग अलग टेक्निक्स और वेरिएशंस देखे होंगे. आप कंफ्यूज ना हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगती है आप उस पे स्टिक रहें और उसकी डेली प्रैक्टिस करें.
वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कहाँ पे इनहेल एंड कहाँ पे एक्सहेल करना है वो भी साथ में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर एक साथ मिलाएं, हाथ बगल में, बैक एंड नेक स्ट्रेट। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे से एक्सहेल करें। अपने आप को प्रैक्टिस के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार करें। नाउ फॉर द फर्स्ट स्टेप, धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पाम्स को आपस में मिलाएं और फिर एक्सहेलेशन के साथ दोनों एल्बोज को जॉइन करते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के आगे प्रणाम आसन में लाएंगे। मंत्र बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। सेकेंड स्टेप के लिए यहीं से हाथों को सामने की ओर खोलेंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। मंत्र, ओम रवये नमः। और फिर अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड होंगे आपके दोनों हाथ आपके कानों के पास। शुरुआत में आप थोड़ा ही बेंड हों, उसके बाद आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो आप ज़्यादा बेंड हो सकते हैं। फिर धीरे से वापस आएं। इसे हस्तोत्तान आसन कहते हैं। अब थर्ड स्टेप के लिए आपको एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। ध्यान रहे बैक को इस तरह से कर्व करते हुए आगे ना जाएं। आपको बैक को स्ट्रेट यानी कि अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ झुकना है। देखिए कैसे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। अब आगे झुकते टाइम एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, हिप्स को हल्का सा बाहर की तरफ निकालेंगे, चेस्ट को आगे और धीरे धीरे बेंड होंगे। कोशिश करेंगे दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखने का। मंत्र, ओम सूर्याय नमः। और फिर अपनी चेस्ट एंड अपने फोरहेड को लेग्स के क्लोज ले जाएंगे। अगर हाथों को नीचे ना रख पाएं तो टोस को टच करें, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी ना जा पाएं तो ज़बरदस्ती ना करें, आपसे जितना हो उतना करें। इसे कहते हैं पादहस्तासन। अब फोर्थ स्टेप में जाने के लिए पहले सामने देखें, उसके बाद इन्हेलेशन के साथ अपना एक पैर पीछे ले जाएं। आप कोई भी पैर पीछे ले जा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आप जो पैर इस पोजीशन में पीछे लेके जा रहे हैं वही पैर आपको वापस आते टाइम पहले आगे लेके आना होता है। ऐसा करने से हमारे एक ही राउंड में दोनों पैर स्ट्रेच हो जाते हैं। मंत्र, ओम भानवे नमः। आगे वाले पैर को इस तरह से रखें कि आपका एंकल एंड नी एक सीट पे हो। पीछे वाले पैर को पूरी तरह से स्ट्रेच करें, घुटना जमीन पे, चिन ऊपर की तरफ। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। अब फिफ्थ स्टेप के लिए यहाँ से पहले बॉडी को थोड़ा लिफ्ट करें, धीरे से एक्सहेल करते हुए अपना दूसरा पैर भी पीछे लेके जाएं। अब कोशिश करेंगे अपने दोनों हील्स को नीचे ज़मीन पे रखने की। फिर अपने शोल्डर्स एंड बैक को स्ट्रेच करें अंदर की तरफ। इसे कहते हैं पर्वतासन। मंत्र, ओम खगाय नमः। अब सिक्स स्टेप के लिए पहले सामने देखिए, दोनों घुटनों को नीचे रखें, अब बॉडी को हल्का सा आगे की ओर ले जाते हुए अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए अपनी चेस्ट और अपनी चिन को नीचे रखेंगे।
एल्बोस आपकी बॉडी के क्लोज रहेंगे, हिप पोर्शन उठा रहेगा, एब्डोमेन एरिया नीचे टच ना हो। मंत्र ओम पूषणे नमः, ये है अष्टांग नमस्कार। इसमें हमारे 8 पार्ट्स नीचे टच होते हैं एंड इस पोजीशन में ब्रेथ को एक्सहेल करके होल्ड किया जाता है। अब 7 पोज पे जाने के लिए पहले बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, टोस फ्लैट और फिर धीरे से इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करें। ध्यान रहे आपको नाभि से नीचे वाले हिस्से को लिफ्ट नहीं करना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करें। मंत्र ओम हिरणगर्भाय नमः, एल्बोस हल्की सी बेंट रहेंगी, बैक को आप जितना स्ट्रेच कर पाए इजीली उतना ही करें, शोल्डर्स को इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट ना करें, शोल्डर्स पीछे की तरफ स्ट्रेच, चेस्ट को पूरी तरह से एक्सपेंड करें। यहाँ से 8th पोज पे जाने के लिए यानी कि पर्वतासन में जाने के लिए पहले टोस को टक करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में जाएंगे। मंत्र ओम मरीचय नमः। अब 9th यानी अश्व संचालन में जाने के लिए पहले सामने देखेंगे और जो पैर हम शुरुआत में पीछे लेके आए थे उसी पैर को पहले आगे लेके जाएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में। मंत्र ओम आदित्याय नमः। अब 10th पोज यानी कि पादहस्तासन में जाने के लिए अपने दूसरे पैर को भी आगे वाले पैर के साथ लाएंगे। मंत्र ओम सावित्रे नमः। फिर कोशिश करेंगे पैर के क्लोज जाने की, अपने फोरहेड को अपने चेस्ट को पैरों के क्लोज ले जाने की। इलेवेंथ पोज के लिए पहले सामने देखेंगे, दोनों हाथों को सिर के बराबर मिलाएं और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए सीधे होंगे। मंत्र ओम अर्काय नमः। वापस से अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड होंगे, शुरुआत में आपको थोड़ा ही बेंड होना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब धीरे से वापस आएंगे और 12th पोज यानी कि प्रणाम आसन में जाने के लिए दोनों पाम्स को मिलाते हुए एक्सहेलेशन के साथ अपने चेस्ट के सामने लाएंगे। मंत्र ओम भास्कराय नमः। ये हुए 12 आसन करने का सही तरीका। अब मैं एक राउंड आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगी।
सूर्य नमस्कार के कई सारे बेनिफिट्स हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, एक्सेस म्यूकस को ये क्लियर करता है, वात पित्त और कफ को ये बैलेंस रखता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो जिन महिलाओं को इररेगुलर पीरियड्स की शिकायत रहती है उन्हें सूर्य नमस्कार डेली करना चाहिए, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन एंड टोन्ड करता है, साथ ही साथ हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करता है और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सूर्य नमस्कार के कई सारे बेनिफिट्स हैं, पर ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस सही टेक्निक के साथ साथ रेगुलर की जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए नमस्ते।